Assalamu alaikum, dear student. So you have the most welcome in this online lecture series, the class for 12th, and the topic is permutation and 11th. So our topic is permutation and combination, and we are dealing with this permutation and combination, and we have finished exercise 7.1. Yes sir. Now we have to go for 7.2. Yes sir. And the question number first is like that. Bolna beta kya hai? First part. हाँ हाँ बोलो बेटा. Eight factorial. अच्छा यू हैव टू हाँ इवाल्वेट तो आपके पास ये है यू हैव टू इवाल्वेट दिस एट फैक्टोरियल है ना तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा दिस स्टैंड्स फॉर दिस फैक्टोरियल नोटेशन है ना आप लोगों ने कहा था कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस अगेन एट फैक्टोरियल एंड दिस एट फैक्टोरियल इक्वल टू वेरी गुड एट इंटू सेवन इंटू सिक्स वेरी गुड फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन है ना आप लोगों ने कहा था कि सर फैक्टोरियल मीन्स इट इज द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम एन टू वन एग्जैक्ट एन टू वन मीन्स इट इज डाउन फ्रॉम एन टू वन इन द सेम मैनर हियर इट इज डाउन फ्रॉम एट टू वन इसलिए अब आप मल्टीपल कर सकते हो ना बोलना बेटा दूसरा क्या है दूसरा पार्ट फोर इसी का वो तो कर सकते हो ना हाँ बोलना क्वेश्चन नंबर टू हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर टू क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर टू है सर इज थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल अच्छा यू हैव टू दिस आपका क्वेश्चन ऐसे है थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल इज दिस है ना इज दिस ट्रू देखो बेटा अब आपने कहा सर अगर हम एल एच एस लेंगे दैट इज थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल है ना बाय योर फैक्टोरियल फार्मूला दिस इज बाय योर फैक्टोरियल फार्मूला दिस इज थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फोर फैक्टोरियल मीन्स फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इट इट एंड दिस इज इक्वल टू थ्री टू जार सिक्स प्लस फोर थ्री जार ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर दैट इज थर्टी ये आपका एल एच एस मिला है ना चलो बेटा आप आर एच एस पे आ जाओ That is 7 factorial. The 7 factorial is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Hai na? Yes, and beta, wo aapko milega 42 into 20 yes, into 6. So, wo zyada hi hai na? Yes, so, aapne kaha, this implies LHS is not equal to RHS. So, beta, yahan se ek point aapko note kar. Haan. 7 factorial ko hum le jayenge 4 factorial ke paas. अच्छा फोर फैक्टोरियल तक हाँ हाँ वो तो ठीक है तो आप इतना कर सकते हो कि अगर आपके पास सम में दिए होंगे सपोज थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल फिर इनका हम कहेंगे ये सेवन फैक्टोरियल के बराबर है दैट इज नॉट द केस ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री फोर सर हाँ बोलना बेटा क्या है एट फैक्टोरियल कंप्यूट एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल अच्छा यू हैव टू कंप्यूट अगेन क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. अच्छा into 2 ये है बेटा? Yes sir. तो आपने कहा मैं 8 factorial को सर ऐसे लिखूंगा 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 1 into 2 1 divided by 6 factorial plus 1 divided by 7 factorial हाँ. equal to 8 divided beta this is important question this is a good question factorial. 1 divided by 6 factorial plus 1 divided by 7 factorial हाँ. equal to x divided by 8 factorial and you have to calculate value of x value है ना देखना बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 divided by 6 factorial yes sir और plus लिखूंगा 1 divided by 7 into 6 factorial कोई दिक्कत yes sir equal to x as it is yes, this is 8 into 7 into 6 factorial बेटा आपको कॉमन आएगा वेरी गुड दिस इज 1 प्लस 1 बाय 7 इज इक्वल टू बेटा x डिवाइड बाय 8 इनटू 7 यस सर है ना यस सर आपने कहा दिस इज 7 1 7 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 8 इनटू 7 है 7 और 7 गॉन यस सर दिस इज सर 8 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 8 है ना 8 8 सर 64 तो x का वैल्यू कितना मिला 64 हैव यू गॉट नाउ ओके बेटा और कोई क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर फाइव हाँ बोलो बेटा क्या है इवाल्वेट एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल वीएन एन इक्वल टू अच्छा आपके पास ये है दिया है यू हैव टू इवाल्वेट यू हैव टू यूज दिस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल एंड यू हैव टू इवाल्वेट मुझे आप कह सकते हो इसको अभी क्वेश्चन को छोड़ो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का होल ये किसकी फार्मूला है
परमिटेशन की, परमिटेशन तो क्योंकि हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं r को एंड अरेंज भी करते हैं, तो n p r होता है किसके बराबर, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। अब आपका क्वेश्चन ऐसे है, पहला पार्ट है ना, यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट बोलना बेटा क्या, पुट पुट n = 6 एंड r = 2, r = दिस मींस आउट ऑफ 6 यू आर सिलेक्टिंग 2 है ना, तो आपने कहा 6 p 2 है ना, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, दिस इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। मुझे बताना 6 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस का दैट इज 30। और कोई क्वेश्चन? नो सर, अब इसका दूसरा पार्ट ही आएगा, वो आएगा। यस सर, तो विद दिस वी फिनिश द एक्सरसाइज। यस सर, तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे बिकॉज़ योर एक्सरसाइज 7.2 स्टैंड्स फॉर दिस 5 क्वेश्चंस एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस। ओके, अल्लाह हाफिज़।